Hello everyone, welcome to CSS exam desk. Let's start with another group of words. First word is amelioration. ये noun होता है और इसका मतलब होता है improvement, बेहतरी या enhancement. तो इसके antonyms होंगे something जो खराब करे चीज को, तो worsening इसका antonym होगा. नेक्स्ट वर्ड इज कार्पिंग. ये दो तरह से यूज होता है, एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है और एज ए नाउन भी यूज होता है. दोनों के मीनिंग सेम होते हैं, मतलब कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म, और मोस्टली ये नेगेटिव सेंस में, नेगेटिव क्रिटिसिज्म की बात हो रही होती है, तो इसलिए इसके एंटोनिम्स होंगे प्रेज और कंप्लीमेंट्री. अब आप देख सकते हैं कि प्रेस के भी कितने ज्यादा सिनोनिम्स हैं और प्रेस के एंटोनिम्स भी कितने ज्यादा हैं, तो वो आप याद करें, अपना वर्ड बैंक इंक्रीज करें. नेक्स्ट वर्ड इज डिजिस्ट. ये वर्ब है, एक्शन वर्ड है. इसका मतलब होता है स्टॉप, डिसकंटिन्यू और सीज, रोकना, खत्म कर देना या पॉज कर देना. तो इसके एंटोनिम्स होंगे कंटिन्यू और परसिस्ट इन. नेक्स्ट वर्ड इज एक्सॉर्सिज्म. इंटरेस्टिंग वर्ड है, नाउन है और काफी ज्यादा हॉरर मूवीज में आपने वर्ड बहुत ज्यादा सुना होगा, देखा होगा. स्पेशली इंग्लिश मूवीज में एक्सॉर्सिज्म का फिनोमेना काफी ज्यादा पोर्ट्रे किया जाता है. तो इसका मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ और टू गेट फ्री फ्रॉम डीमोन्स, कुछ ईवल चीजें हटाना, खत्म करना, वो सारा एक्सॉर्सिज्म कहलाता है. तो इसका एंटोनिम होगा साइंस. साइंस इसलिए है कि साइंस ऐसी चीज होती है जो फैक्ट्स की बेसिस पर होती है, तो इसलिए ये इसका एंटोनिम होगा. देन नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्रोम्प्टू. ये एडजेक्टिव है. बहुत ज्यादा ये वर्ड कॉमन है, बहुत ज्यादा यूज होता है, पेपर्स में भी ये वर्ड आता है, क्वेश्चंस में तो इम्पोर्टेंट है. इसका इसके सिनोनिम्स है अनरिहर्स और स्पॉन्टेनियस, और इसका एंटोनिम होगा प्रिपेयर्ड और रिहर्स्ड. Then we have lummox. ये noun है, lummox. It means clumsy or stupid person. अब देखें clumsy person के लिए भी हमने अभी तक काफी ज्यादा different words पढ़े हैं, तो आप interchangeably भी उनको याद कर सकते हैं. इसका antonym होगा obviously genius. Easy था. Next is ostentatious. ये बहुत important word है, past papers में बहुत ज्यादा पूछा जा चुका है. एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है शोई, मतलब बहुत ज्यादा दिखावे के सेंस में अगर आप लें तो ये वो वर्ड होता है ऑस्टेंटेशियस. तो इसके एंटोनिम्स होंगे प्लेन और अनऑब्ट्रूसिव. प्रीवियस वीडियोस में ये वाला वर्ड भी हमने डिस्कस किया था, ऑब्ट्रूसिव, अगर आपको याद हो तो. देन वी हैव प्रीकॉशियस. ये एडजेक्टिव है, प्रीकोशियस. ठीक है, प्रीकोशियस की स्पेलिंग का आपने खास ध्यान रखना है, याद अगर आप कर रहे हैं तो. इसका मतलब होता है टू डेवलप अर्ली, मतलब जल्दी से डेवलप हो जाना, बहुत तेजी से डेवलपमेंट शो करना, प्रीकोशियस कहलाते हैं, सॉरी. और इसका एंटोनिम्स होंगे बैकवर्ड और स्लो. सैंक्शन नाउन भी, एज ए नाउन भी यूज होता है, एज ए वर्ब भी यूज होता है. इसका मतलब होता है अप्रूवल देना किसी चीज के, और ये ऑफिशियल टर्म्स में यूज होता है कि ऑफिशियली किसी को अप्रूवल देना, किसी को ऑथराइजेशन देना. ऑथराइजेशन भी इसका सिनोनिम होगा. और इसके एंटोनिम्स में आएगा रिवॉर्ड और प्रोहिबिशन या बैन भी.
प्रोहिबिशन और बैन। एंड लास्ट वन फॉर टुडे, टर्पिट्यूड, ये नाउन है और फॉर्मल इंग्लिश में ये वर्ड यूज होता है, इसका मतलब होता है डिप्रेविटी और करप्शन। इसके सिनोनिम्स हो गए और इसका एंटोनिम होगा वर्चू और ऑनर। ओके, आज के लिए इतना ही था, टेक केयर।